गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हुआ है सुबह के 11:30 और आप लोग को जैसे पता है अभी हमारा घूमने जाने का प्लान बना है, तो आपके लिए तो ट्रैवलिंग व्लॉग आ ही जाएगा। और आज का डेट कितना है, आज है 31 तारीख और हम 25 तारीख के रात को जा रहे हैं, तो हमारे पास लगभग 4 दिन का तो टाइम है, क्योंकि मतलब देखा जाए तो 5 दिन है, पर मैं 4 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक दिन मैंने बोला था हम अपने गांव जा रहे हैं कुछ काम से, मतलब वहां के काम निपटाने, तो वो अभी एक दिन निकल जाएगा, तो मोटा मोटी हमारे पास 4 दिन है। तो घूमने जाने के लिए मेन चीज क्या है, मैं टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन चीज है हम पहले अपना बैग पैक करना पड़ेगा। अगर पहले से बैग पैक नहीं करेंगे ना, कुछ भूल जाएंगे, ये रह गया वो रह गया, उतना टेंशन ना हो। तो आज मैंने सोचा मैं अपना बैग पैक कर लूंगा, अगर कुछ भूल भी गया होगा ना, अगर कहीं घर पे हूं तो दिखेगा अरे ये भी तो लेना है, तो वो बैग में डाल सको। और तुम्हारे भाई ने अपना दिमाग लगाया, मैं सोच रहा हूँ कि हम ज्यादा बैग नहीं करेंगे, जितना कम बैग होगा ना तो उतना हमारे उसको संभालने की टेंशन कम होगी, अगर कोई बैग छूट गया तो उसकी अलग टेंशन शुरू हो जाएगी, दूसरी जगह जा रहे भाई कोई छूटेगा तो कैसे तो भागा दौड़ी होगी, उसके टेंशन क्यों लेना, राइट। तो मैंने ये सोचा है क्यों ना मम्मी पापा के लिए एक बैग, वहां पे उनके कपड़े आ जाएंगे, और मेरे और जुबली के लिए एक बैग, वहां पे हमारे कपड़े आ जाएंगे, और मैं एक बैग पहन लूंगा जो होता है ना हमारे, जैसे बोल लो क्या बोलते स्कूल बैग टाइप होता है, वो पहन लूंगा, तो उसके अंदर क्या चलो हमारे नाइट ड्रेस हो गए, फिर ब्रश पेस्ट, उसके बाद हमारे क्या बोलते उसको मोबाइल चार्जर्स वो सब रख सकते हैं, ताकि ये तो क्या और थोड़ी थोड़ी चीज के लिए थोड़ी ना हम बैग निकालेंगे, पूरा बैग लक होगा हमारा। तो मैं सोच रहा हूँ ये सारी चीजें होगी ना, अगर फोन का चार्जर है तो छोटा बैग से निकाल पाऊंगा, और कुछ थोड़ी बहुत चीज फिप्स रखे होंगे, कुछ खाने को मन किया तो वो निकाल सकते हैं। तो आज मुझे कपड़ा आयरन करने हैं, वो सब पैक करना है, बैग पैक करना है, सब कुछ आज करना है। और मैंने सोचा है जा रहा हूं तो आज मैं जो कोर्स कर रहा हूं वो कोर्स कंप्लीट कर देता, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि आज तुम्हारा भाई बहुत बिजी होने वाला है, इतना बिजी तो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होंगे, समझ रहे हो। गाइस आज लंच में बना है देख सकते हो दाल चावल, और उसके ऊपर थोड़ा मैंने दही डाल दिया क्योंकि मुझे दही बहुत पसंद है, और यहाँ पे हमारा सोया चंक्स करी, या इसको बोला जाता है मिल्क मेकर करी, और ये है हमारा चना, इसको हम तो बोलते हैं सुली चना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर आप लोगों को बताए तो नीचे कमेंट कर देना। ओके, मैं इसको खत्म करेंगे फिर से शुरू हो जाएंगे हमारे वही काम पे आयरन करने में, और क्या फिर मुझे बैग भी तो पैक करना है, और पढ़ना भी है भाई, पता नहीं ये सारे काम मैं कैसे करूं, इतने सारे टेंशन भाई, चलो देखेंगे। और अभी टाइम कितना हुआ है, अभी टाइम हो चुके 12:35। ओके, मैं आपको इसको खत्म करता हूँ फिर मैं अपने काम पे लगता हूँ। गाइस अभी दोपहर के 3 बज चुके और मैंने तो मेरे सारे कपड़े आयरन तो कर चुका हूँ, अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, मुझे मेरा बैग पैक करना है, बैग पैक भी मैं कर दूंगा भाई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर जैसे मैंने आपको सुबह बताया था मेरा प्लानिंग है हम 3 बैग करेंगे, एक में मम्मी पापा का, दूसरे में जुबली और मेरा, और एक तीसरा बैग में पहनूंगा जिसमें चार्जर ब्रश वो सब होगा, तो जरूर चीजें हम ट्रेन पे यूज करेंगे, तो ऐसा प्लानिंग है। मम्मी पापा का बैग पैक हो चुका है, मम्मी ने कर चुके हैं, अभी क्या है ना मेरा और जुबली का जो बैग पैक है ना, और जुबली जब कॉलेज से आएगी तो हम दोनों मिलके करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ मैं अपने कपड़े रख दूंगा फिर वो रखेंगे तो मेरे कपड़े नीचे रह जाएंगे, तो दोनों इक्वली डिवाइड कर दे, इस साइड उसका इस साइड मेरा, इसलिए जब वो आएगी तब करेंगे। अभी जैसे मैंने बताया 3 बजे तो वो लगभग कितने बजे आएगी, वो 5:40 को आ जाएगी, फिर हम वो करेंगे, उसके बाद मुझे पढ़ना भी है भाई, कि मुझे प्लानिंग था वो जाने से सॉरी और जाने से पहले मुझे मेरा कोर्स कंप्लीट करना है, देखते हैं क्या होता है कैसे करेंगे। जब वो आएगी ना उसको बोलूंगा चल जल्दी बैग पैक कर लेते हैं, वरना ऐसे रह रहे के लास्ट में बैग पैक करेंगे तो कुछ ना कुछ भूल ही जाएंगे भाई। तो उससे हे गाइस अभी टाइम हो चुका है देख सकते हो 6:48 और आपको ये बैग दिख रहा है, मैं रेड वाले की बात कर रहा हूँ, ये रेड वाला बैग है ना, ये मम्मी पापा का जो कपड़े है ना वो इसमें है, मतलब बैग पैक हो चुका है, और ये जो ऊपर वाला ब्लैक कलर का बैग है इसमें मेरे और जुबली के कपड़े रहेंगे जो अब तक हमने पैक नहीं किया है, और जुबली आके 1 घंटा हो चुका है, पर महारानी तो फोन में बेचते है ना, तो क्या कर सकते हैं, पहले मैं मेरा कपड़ा तो पैक कर लूं। और ये ऐसा कोई बैग देखो मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड ना, यहाँ पे लॉक होता है, फिर यहां से इसका जो निकाल बेटा मेरे को ये एक हाथ से नहीं हो रहा, हाँ देखो अभी इसको भी ऐसे लेके जा सकते हैं, राइट। तो इस पे पहले मैं मेरे कपड़े पैक करूंगा, एक बार पैकिंग का काम खत्म हो जाए तो एक टेंशन गया, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे, आज रात जितनी लेट हो चलेगा भाई, हम कहा सुबह उठ के काम पे जाते,
हमें कोई ऐसा कोई टाइम की तो नहीं है, 3 बजे 4 बजे मतलब कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कल पढ़ लेंगे। और हाँ एक्चुअली ये दोनों बैग ना उस रूम पे थे और मैं इस रूम पे इसलिए लेके आया क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग अच्छा है, आपको मैं ब्लॉग में दिखा सकूं। गाइस फाइनली मेरी पैकिंग तो हो चुकी है, जुबली का पैकिंग अब तक नहीं हुआ, मैंने उसको 2-3 बार बोला वो सुनती नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है। चलो मेरा क्या जाता है, मेरा तो हो चुका है, वो रखे ना रखे उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा पूरा पैकिंग हो चुका है, मतलब जो 2-3 छोटी मोटी चीजें वो तो हो जाएगा, वो किसी और बैग में मैं रखूंगा, वो देखेंगे बाद में कुछ उसका कुछ एडजस्ट कर लेंगे। ओके और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि व्लॉग थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया आज का, पता नहीं कैसे। सो अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको मिलूंगा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।